आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फार्मास्यूटिकल कंपनी कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के बारे में। इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा आज से लगभग 6-7 महीने पहले लगभग इसका 450 का प्राइस था जब इसमें हमने होल्डिंग बनाई थी, और वो मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी दिखाया था आपको अपनी होल्डिंग बना के। उस वीडियो को भी हम देखेंगे। मैनेजमेंट की सैलरी भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, FII DII थोड़े थोड़े शेयर खरीद रहे हैं। पब्लिक का स्टेक यहाँ पर डाउन हुआ है, जो कि एक क्लियरली पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को लेके, इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेके। एक स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है, 6800 करोड़। अगर आप मेरे डायमंड मेंबरशिप के मेंबर हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा जब हमने शेयर में पोजीशन बनाई है या हमने प्रॉफिट बुकिंग करी है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर अपने हाई से देखते हैं तो लगभग अभी भी ये 10% डिस्काउंट पे ही चल रहा है, और अपने लो से आपको 100% प्लस रिटर्न बना के दे चुका है। स्टॉक का पी वैल्यूएशन भी 27 के अराउंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिविडेंड कुछ खास देता नहीं है ये। ROE से ही काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पे, 33 और 26 का। अगर इसका हम एक साल का चार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्च 2021 में लगभग 400 रुपये का शेयर था, और जब मैंने वीडियो बनाई थी मार्च लास्ट के आसपास उस टाइम लगभग 456 के अराउंड चल रहा था, जो मैंने अपनी पोजीशन भी आपको दिखाई थी। तो उस लेवल से अगर हम देखते हैं तो 900 रुपये का लेवल तो इसने अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी जुलाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जुलाई में ही इसने टच कर लिया है। जुलाई में ये देख सकते हैं आप, जुलाई में 944 तक गया था। तो अगर देखा जाए मार्च कुछ से लेके मिड से लेके अगर हम जुलाई में भी मिड तक लेते हैं तो 4 महीने के अंदर इसने हमारे वेल्थ को डबल कर दिया है। हालांकि उसके बाद ये पिछले 3 महीने से कुछ भी अभी चला नहीं है, उसी लेवल पर है अभी भी, लेकिन इसका फ्यूचर मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं हम प्राइस का तो वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, देख सकते हैं अपसाइड में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ उसी शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका चार्ट पैटर्न पॉजिटिव हो, ऊपर की तरफ लेफ़्ट टू राइट हो। और अगर पी वैल्यूएशन हम यहाँ पे देखते हैं तो एवरेज पी है लगभग 19 का, और ये अभी 26 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रहा है, यानी अपने एवरेज पी से लगभग आप कह सकते हैं 40% और 50% ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये अभी ट्रेड हो रहा है। अगर इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। सेल्स भी आप देख सकते हैं 268 करोड़, 274, 279, 300, लगातार यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट में भी लगातार यहाँ पे इजाफा हम देख रहे हैं। तो यही एक पॉजिटिव साइन है कि अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक प्राइस ने जंप दिखाया है। अगर एनुअल सेल्स की भी हम बात करें यहाँ पे 649 से 863, दैन 1100 करोड़ लगभग, 177 से 215, 242, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो वो भी 260 करोड़ है। तो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी है। और अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें जो प्रॉफिट ग्रोथ से, तो वो ओके टाइप है। ये लगभग 3 सालों में 18% से चला है, ये स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा चला है, लगभग आप कह सकते हैं अपने सेल्स ग्रोथ के मुकाबले 25% एवरेज इसका ग्रोथ हुआ है सेल्स का पिछले 3 सालों में। स्टॉक प्राइस ने भी 3 सालों में 28% का CAGR रिटर्न हमें बना के दिया है। बैलेंस शीट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, कोई कर्जे वाली दिक्कत नहीं है, नेग्लिजिबल डेट है, 1400 करोड़ का टोटल साइज़ है बैलेंस शीट का, उसमें 70% प्लस कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरोइंग केवल 18 करोड़ की है, और 18 करोड़ में से अगर देखते हैं हम इंटरेस्ट का कितना खर्चा है कंपनी का, तो केवल 1 करोड़ का खर्चा है इंटरेस्ट का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नेग्लिजिबल डेट है, ऑलमोस्ट 0 डेट आप कह सकते हैं इसे। प्रमोटर की होल्डिंग देखते हैं तो कॉन्स्टेंट है पिछले 9 महीने का, ये 1 साल का हम देखते हैं तो FII 1.64 स्टेक था जो कि बढ़ के 1.76 हो गया है। DIB 1.10 था जो कि अब बढ़ के 1.19 हो गया है। वहीं पे अगर पब्लिक की होल्डिंग देखते हैं तो 28.23 था जो कि अब 28.02 है एज पर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ सितंबर 2021। तो इस लेवल पे अभी भी कंपनी मुझे अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन अगर हमें करेक्शन में मिल जाए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो अब मैं आपको अपना पुराना वीडियो दिखा देता हूँ, साथ में मैनेजमेंट की सैलरी भी हम यहीं पर देख लेंगे। 7 महीने पहले आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था इस शेयर में जैसे ऐसे गिरावट हो रही थी कि गिरावट से डरना नहीं है। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऊपर से जब गिरने पे आती है मार्केट थोड़ा सा भी ख़राब हो तो ये 10-20-30-40% तो ये फटाक से गिर जाते हैं, यानी सिक्कों की तरह ढह जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए वो वीडियो भी देख लेते हैं। तो ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है, ऊपर 600 रुपये से गिरकर अब इसका वैल्यू जो है लगभग 450 के अराउंड चल रहा है, और पिछले 3 महीने में देखेंगे तो इसने अभी भी इन्वेस्टर्स को अपना वेल्थ डिस्ट्रॉय ही किया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये इसमें मेरे को नेगेटिव क्या लगता है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप है इसका केवल देख सकते हैं 3000 करोड़। मैंने आपको बता रखा है मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ जब उसका मार्केट कैप
कैप 10,000 करोड़ से ऊपर हो। लेकिन ये शेयर मेरे को अच्छा लगा था। इसमें अगर मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो इसके एमडी है मिस्टर श्रीधर गणेशन, ही इज विड्रॉइंग सैलरी ऑफ ओनली 57 लाख रुपीज आउट ऑफ कंपनीज एक्ट सीलिंग जो है 25 करोड़। 25 करोड़ में से 57 लाख की सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, ये वो मेन रीजन था। साथ में म्यूचुअल फंड का भी इसमें स्टेक धीरे धीरे हल्का सा इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो मेन रीजन थे जिसकी वजह से मेरे को ये शेयर में थोड़ा सा मैंने इन्वेस्टमेंट अपना किया था। लेकिन ये एक स्मॉल कैप शेयर है तो अपने पोर्टफोलियो का इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग आधे से 1 या 2% रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने पोर्टफोलियो का हमने इसमें 2, 4, 6, 8% इसमें लगा दिया तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर मैंने 8%। और जैसा कि आप देख सकते हैं उस टाइम अगर निफ्टी की बात करें तो लगभग 15,000 का लेवल था निफ्टी का, और आज जो कि है 18,000, यानी लगभग 20% 22% निफ्टी चला है। और वहीं पे इसने हमें 100% रिटर्न बना के दिया है पिछले अगर 6-7 महीने की हम बात करते हैं तो। अगर आपने अभी तक मेरा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी एक स्मॉल फीस है ओनली 599, जो कि आप एक ही ट्रेड में निकाल सकते हैं अगर आपका 10,000-12,000 रुपये का भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है तो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब शेयर का प्राइस डाउन होता है तो हम उसे डिस्काउंट में ख़रीदते हैं, और जैसे ही हमें 10-12-15-20% का रिटर्न आता है तो हम उसमें धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।